नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से मनरेगा मजदूरों के राज्यव्यापी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसको लेकर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भागलपुर के तत्वावधान में सोमवार को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 100 कार्य दिवस रोजगार प्राप्त करने वाले मजदूरों के साथ पंचायत में सर्वाधिक 100 कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराने वाले पंचायत रोजगार सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं भागलपुर DRDA सभागार में किए गए कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विभाग की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत सभी जिले में 100 दिनों तक कार्य प्राप्त करने वाले मजदूरों के साथ पंचायत रोजगार सेवकों को भी सम्मानित किया गया। इधर भागलपुर के सभी 16 प्रखंड के ऐसे श्रमिक जिन्होंने साल में 100 दिन तक रोजगार प्राप्त कर उसे पूरा किया है, उन्हें समारोह में सम्मानित किया गया। जबकि एक वर्ष में 100 दिनों कार्य की गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्य उपलब्ध कराने वाले पंचायत रोजगार सेवकों को भी मजदूर दिवस पर सम्मानित किया गया, जिससे उन सभी का उत्साह वर्धन हो। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि भागलपुर के 2 लोगों को राज्य स्तर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर मजदूरों और कर्मियों को उनके कार्य के लिए सम्मानित कर काफी खुशी हो रही है और यह दिन दुनिया भर के श्रमिकों के लिए उत्सव और उत्साह का दिवस है। आज 1 मई के दिन मजदूर दिवस है और राज्यव्यापी हम लोग ये सम्मान समारोह मनरेगा श्रमिकों के लिए कर रहे हैं, वैसे श्रमिक जो साल में अपना 100 दिन का काम पूरा किए हैं। चूंकि वो लोग सजग रहे हैं और मनरेगा में ये रहा है, मनरेगा यही कहता है कि हम 100 दिन रोजगार की गारंटी लेते हैं, तो वैसे श्रमिक जो अपने कार्य में काफ़ी सजग रहे हैं और ग्रामीण विकास के हर एक पहलुओं पर खरा उतरते हुए अपना काम पूरा किए हैं, तो आज उनके सम्मान का दिवस है। साथ ही साथ वैसे PRS जो सर्वाधिक संख्या में श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिलाने में मदद किए हैं, तो उसको भी सम्मानित किया जाएगा। और साथ साथ वहाँ के PO लोग भी आए हुए हैं, इस कार्य में शरीक कर रहे हैं। आज एक बड़ा प्रोग्राम राज्य स्तर पर भी हो रहा है पटेल भवन में, जहां हमारे जिले से भी प्रतिभागी गए हुए हैं, 2 श्रमिक, 1 पंचायत रोजगार सेवक और 1 PO साहब गए हुए हैं। तो ये आज एक उत्सव के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं राज्यव्यापी, अपने जिले में भी इसको हम मना रहे हैं। भागलपुर हंसरिया रेलवे ट्रैक, टिकानी रेलवे स्टेशन एवं जगदीशपुर हॉल्ट के बीच रेलवे ट्रैक पर सोमवार की अहले सुबह एक व्यक्ति का कटा हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। मृतक की पहचान जगदीशपुर प्रखंड के सैनो गांव निवासी कैलाश सिंह के 32 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक चंदन कुमार मजदूरी कर अपनी पत्नी और 3 बच्चों का भरण पोषण करता था। वहीं घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि चंदन एक दिन पूर्व ही दिन के करीब 3 बजे घर से निकला था, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। वहीं इसके बाद रात को भागलपुर गंगा घाट से कुछ नाविक ने फोन कर चंदन कुमार द्वारा पानी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने पर उसे पकड़कर रखने की बात बताई गई। परिजनों का कहना है कि घर लाने के बाद सुबह चंदन बाथरूम जाने के बहाने फिर से भाग गया और बाद में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर उसकी मौत की खबर उन सभी को मिली। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही घर वाले तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां चंदन का सिर और धड़ 2 टुकड़ों में रेलवे ट्रक पर कटा हुआ दिखा। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना और रेलवे पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है, जबकि सुबह सुबह हुए चंदन की मौत हत्या है या खुदकुशी, इसको लेकर परिजनों के बीच संशय बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर जारी की गई नई नियमावली के विरोध में सोमवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर भागलपुर में नियोजित शिक्षकों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। इसको लेकर भागलपुर समाहरणालय के समक्ष नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार की नई नियमावली को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर विरोध
विरोध जताया और सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के साथ कई और मांग के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की। साथ ही समान काम के बदले समान वेतन और राज्य कर्मी को मिलने वाली सभी सुविधा देने की मांग शिक्षकों ने की। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आने वाले दिनों में आंदोलन तेज कर राज्य के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव करने की भी बात कही। प्रदर्शन कर रहे पुरुष और महिला शिक्षकों ने कहा कि सरकार चाहे लाठी डंडा चलवाए या गोली चलवाए, वे सभी मांग पूरी होने तक पीछे नहीं हटेंगे और सरकार को उनका हक देना ही होगा। इधर कई नियोजित शिक्षकों ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें पहले राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात कही थी, लेकिन बाद में नीतीश सरकार इससे पीछे हट गई और अब नई नियमावली के तहत बीपीएससी से परीक्षा देकर स्थायी नियुक्ति करने की बात कह रही है। हमारी मांग है अध्यापक 2000 नियमावली 2023 नीतीश कुमार को वापस लेना होगा बिना शर्त दिए। हमारे नियोजित शिक्षक जो 3 लाख पूरे बिहार में है उसको जो है राजकर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन, ऐच्छिक स्थानांतरण और सरकारी सारी सुविधा हमको मिलनी चाहिए। यदि हम लोग को यदि वेतनमान और राजकर्मी का दर्जा पुरानी पेंशन लागू नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ से भागलपुर से लेके पटना तक राज्य संघ के नेतृत्व के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए भी तैयार हैं। मेरी मांगे हैं जो शिक्षकों के साथ ये सरकार ने तुगलकी फरमान लागू किया है, बीपीएससी परीक्षा दे के आइएगा तभी आप शिक्षक बनेंगे, ठीक है। जहां एक और शिक्षक सरकार कहती है कि ये इस बहाली में जो है अच्छे शिक्षक बहाल होंगे, तो मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या इसके पहले आप निकम्मी शिक्षक बहाल कर रहे हैं? इस तरह की जो नीति सरकार की है यह गलत है। इसके विरोध में पूरे बिहार में, सूबे हिंदुस्तान में शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के साथ पूरे समाज और वर्ग के लोग मैदान में उतरेंगे। यह लड़ाई सिर्फ शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सार्वजनिक लड़ाई है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ, मैं शिक्षित हूँ, शिक्षकों का इतिहास लिखूँगा, चाहे लाख लगा रो हथकड़ियाँ, शिक्षक जिंदाबाद लिखूँगा, जिंदाबाद लिखूँगा। आज जो यह हम लोग सारे शिक्षक वर्ग के लोग एकत्रित हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सोमवार को भागलपुर बैजानी पंचायत भवन में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मजदूरों को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और सरकार द्वारा चलाई जा रही कानूनी अधिकार संबंधी विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में गरीबों और आदिवासी समाज के लोगों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी देकर सरकार और प्राधिकार की ओर से मिलने वाली मदद एवं एसिड अटैक योजना 2016 के बारे में भी बताया गया। बता दें कि अक्सर अपने कानूनी अधिकार और योजनाओं की जानकारी के अभाव में पीड़ित पक्ष योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिसको लेकर डालसा की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौके पर पैनल अधिवक्ता अवधेश कुमार सिन्हा, पारा विधिक अमृता देवी, बैजानी पंचायत के मुखिया नवल किशोर सिंह समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड।
भागलपुर, कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। भागलपुर श्रम संसाधन विभाग की ओर से भागलपुर आईटीआई बरारी में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के सभी प्रखंडों के श्रमिकों के अलावा विभिन्न श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अपर जिला जज सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी, सहायक श्रमायुक्त, श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं कई श्रमिकों ने कार्यक्रम को उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भागलपुर प्रमंडल के सहायक श्रमायुक्त आफताब आलम ने किया, जबकि शिविर का आयोजन दो सत्रों में किया गया। प्रथम सत्र में सभी श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों एवं विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अश्वनी राज ने बाल श्रम उन्मूलन एवं विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए योजना एवं विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अलावा नियोजकों द्वारा इससे कम मजदूरी पर काम करवाने पर शिकायत के लिए जरूरी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं श्रम अधीक्षक विनोद कुमार प्रसाद ने सभी श्रमिकों को अपने बच्चे से बाल श्रम नहीं कराने और उनको निश्चित रूप से विद्यालय भेजकर शिक्षित एवं कुशल बनाकर गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करने की बात कही। साथ ही उन्होंने श्रमिकों को निबंधन समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इधर मुख्य अतिथि डालसा सचिव ने सभी श्रमिक को आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क न्यायिक सेवा का लाभ देने से संबंधित जानकारी दी। इसके अलावा कार्यक्रम के दूसरे सत्र में कहलगांव एनटीपीसी लिमिटेड और कम्फेड के विक्रमशिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड से आए पदाधिकारियों ने कुल 11 श्रमिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए उपहार देकर सम्मानित किया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक त्रिपुरारी कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने पर थाना परिसर में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसको लेकर प्रभारी थाना अध्यक्ष अजय कुमार, थाना के पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों ने त्रिपुरारी कुमार मिश्रा को सेवानिवृत्ति पर दीर्घायु होने की शुभकामना देते हुए केक काटा और त्रिपुरारी कुमार के 40 वर्षों के लंबे सेवाकाल के अनुभव को साझा किया। इस दौरान सेवाकाल के दौरान अपने कार्य के दायित्वों का पूरी निष्ठा से पूरा करने के साथ सेवा के अंतिम 6 माह के कार्यकाल के दौरान जगदीशपुर थाने में थाना के सभी पदाधिकारियों का बेहतर सहयोग प्राप्त होने की बात त्रिपुरारी कुमार ने कही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।